21 अप्रैल चैत्र मास को प्रदोष की आप लोगों को शुभकामनाएं। रविवार प्रदोष के दिन आपको यह चार उपाय करना है, होगी सभी मनोकामना आपकी पूर्ण। इस उपाय को करने के लिए प्रदोष काल का समय निर्धारित किया गया है। सूर्य अस्त और चंद्रमा के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है। इस दिन कोई भी उपाय आप अगर रविवार प्रदोष के दिन करोगे तो ये हो नहीं सकता कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो। मनोकामना पूर्ण ना हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 10 दिन 20 दिन, लेकिन आपको भोले बाबा पे असीम भरोसा करना चाहिए। आपको अगर जो भी आपको देखना है मेरे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए तो आप लोगों को ये वीडियो का लाभ उठाने का मिले लाभ उठा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करना प्लीज़। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि रविवार प्रदोष के दिन आपको एक घी का दीपक ले जाके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, जिससे धन लक्ष्मी की कृपा होगी, मनोकामना पूर्ण होगा, मनोकामना पूर्ण होगी, धन में वृद्धि होगी, काल में सफलता मिलेगा आपको प्रदोष काल में। आपको वैसे मैंने बताया कि प्रदोष काल में आप करना है। फिर दूसरा उपाय है आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक आखा चावल का दाना, मतलब समूच आपको इसको लेके प्रदोष काल में इसको भी करना है। इसको आपको अशोक सुंदरी की जगह समर्पित करके फिर इसी को उठाकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब इतना ध्यान रखें कि जो डंडी का मुख है उसको अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो इस डंडी का मुंह अशोक सुंदरी की तरफ, यानी जहाँ जिस तरफ से पानी गिरता है उस तरफ होना चाहिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कामना अपना कामना बोलकर इसको आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल में आपको। फिर आपको तीसरा उपाय है प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन मतलब रविवार प्रदोष के दिन आपको एक आखा चावल का दाना समूच आपको लेकर अपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी कामना बोलते हुए। ये उपाय करने से कार्य में सफलता, कोई भी अड़चनें आ रही हैं जितना भी, मतलब कि बस भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में इसको समर्पित करना है। आपका कोई भी काम बहुत ज़रूरी है, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई समस्या है, तो आपको ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर चौथा उपाय है आपको अपने एक दीपक घी शिव जी के चौखट पे मंदिर में आपको प्रदोष काल में जाके एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है अपनी कामना बोलते हुए। प्रदोष काल में माँ पार्वती शिव जी भ्रमण करने निकलते हैं सनंदी के साथ में, तो आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। और एक घी का दीपक आपको अपने मेन दरवाजे पे प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है, इससे भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी प्रदोष काल में भ्रमण करने का समय है शिव पार्वती और नंदी का, इसी अपनी कामना बोलते हुए माँ लक्ष्मी का मतलब की ध्यान करते हुए एक दीप घी का, देसी घी का लंबी बाती का प्रज्वलित कर दे अपने मेन दरवाजा के सामने प्रदोष काल में प्रदोष के दिन, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब शिव का स्मरण करते हुए उसके बाद में आपको ये उपाय अगर आपको करना मतलब उपाय आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े मतलब वीडियो में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे कि प्रदोष काल में ऐसे कल बहुत से सारे उपाय हैं। एक उपाय है कलश के अंदर पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर थोड़ा गुड़ डालकर प्रदोष काल में भगवान शिव को स्मरण करके समर्पित कर दें, तो आपकी आपका कोई भी बहुत ज़रूरी काम है, कर्जा बढ़ रहा है, कोई धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी समस्या है, बहुत प्रबल समस्या है, तो आपको प्रदोष काल में ये भी एक उपाय करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, भगवान भोले बाबा रविवार प्रदोष के दिन आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी, श्री शिवाय।